और अब खबर सतना से है, जहां जिले की ग्राम पंचायत मजगवां सरपंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सरेआम गालियां दी। वो चाय पान की दुकान पर खड़े होकर सूबे के मुखिया और उनके परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता रहा और पुलिसकर्मी ये सब सुनते रहे। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा संगठन ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ी। जिले की मजगवां जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मजगवां के सरपंच विजय सिंह के खिलाफ मजगवां थाना में FIR दर्ज हुई है, जहां IPC की धारा 294 तथा 505(1)(c) के तहत ये मुकदमा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं युवा मोर्चा के प्रभारी विजय तिवारी की शिकायत पर दर्ज की गई। दरअसल मजगवां सरपंच विजय सिंह ने मजगवां में एक चाय पान की दुकान पर खड़े होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सरेआम गालियां दी। सरपंच ने मुख्यमंत्री के परिवार के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द कहे। जिस वक्त सरपंच स्वयं एक संवैधानिक पद पर होते हुए सूबे के मुखिया के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, उस वक्त वहां मजगवां थाना में पदस्थ कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े थे, लेकिन किसी ने उसे रोकना टोकना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इसी वक्त वहां से मौजूद कोई शख्स सरपंच की अभद्रता को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ तो भाजपा के जिला संगठन ने इससे संज्ञान में लिया। जिला उपाध्यक्ष विजय तिवारी ने सतना SP को एक शिकायत पत्र प्रेषित किया, जिस पर एक्शन लेते हुए SP ने मजगवां पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं मजगवां पुलिस अब सरपंच की तलाश कर रही है। इस मामले में मजगवां सरपंच विजय सिंह का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया और सम्माननीय हैं, जो वीडियो वायरल किया जा रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर एक सुनियोजित साजिश के तहत पेश किया गया है। इस पे किताब बेचने वाले MK सिंह का हाथ बताया जा रहा है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।